जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको हमारे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते। साल दर साल, हर साल जब भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उनके हित में कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास कर देते हैं उस काम को रोकने का। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब बिजली की सब्सिडी आने का समय आया था तो कितनी कोशिश हुई थी हमारे विरोधियों द्वारा उस सब्सिडी को रोकने की। एक समय तो ऐसा भी आया था जब हमें ये घोषणा करनी पड़ी थी कि आज के बाद जीरो बिजली बिल समाप्त हो जाएंगे। इस साल भी पिछले एक महीने से लगातार इन लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया कि आने वाले वर्ष 2024-25 में दिल्ली वालों का जीरो बिजली का बिल ना आए और किसी तरह से केजरीवाल सरकार की सब्सिडी रुक जाए। इन्होंने अफसरों को बुलाया, अफसरों को धमकाया, पूरी कोशिश कर ली कि दिल्ली वालों के जीरो बिजली के बिल रुक जाए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक बार दिल्ली के लोगों को वादा कर दिया तो फिर उन्हें जो भी करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जिसके आगे हाथ जोड़ना पड़े, जिससे लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों को अपना वादा पूरा करके रहते। और आज मुझे सभी दिल्ली वालों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल मिलते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, वो 2024-25 में भी जारी रहेगी, उसका फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। तो जिस तरह अभी तक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे, जो सब्सिडी दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को, 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको जिस तरह से सब्सिडी पिछले वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी सब्सिडी मिलती रहेगी, दिल्ली वालों का बिजली का बिल ज़ीरो आता रहेगा। और अब ये पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक पास कर दी गई है।